प्रशासन और अधिकारी खुद चाहते हैं कि यह खेल चलता रहे और उनकी जेब गर्म होती रहे। भले ही युवा वर्ग और मजदूर वर्ग भी अपना सब कुछ क्यों ना भेज दे, उस खेल का लाइसेंस प्रशासन नहीं दिया है, जिसका नाम भले ही बच्चों के खेल के नाम पर है, लेकिन खेलते अच्छे घर के लड़के और लड़कियां ही हैं और रोजाना मजदूरी करके मजदूर वर्ग के लोग हैं। वीडियो गेम पार्लर के नाम पर दिया जाने वाला लाइसेंस, जो कि उसके आड़ में कसिनो जुआ घर खोला गया है, जिसकी परमिशन मुंबई और गोवा में ही है, लेकिन यहाँ पर वीडियो गेम पार्लर के नाम पर लाइसेंस लिया जाता है और जुआ खिलाया जाता है। जिनको परमिशन वीडियो गेम पार्लर के नाम पर मंदिर, स्कूल, स्टेशन आदि जगहों पर दी गई है, जिससे अब तो लड़कियां भी खेलना शुरू कर चुकी हैं। ऐसे खेलों के चक्कर में पड़कर युवा वर्ग पूरी तरह से लाचारी में फंस कर पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए चोरी जैसी वारदात को भी अंजाम देने से पीछे नहीं हटते हैं और बड़ी बड़ी वारदातों को भी अंजाम देने की तैयारी भी की जाती है। शासन और प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कठोर कदम उठाने की जरूरत है। सभी वीडियो गेम पार्लर को बंद कराए जाएं, ऐसी विनती नागेश दुबे आजाद क्रांति सेना के संस्थापक ने की है। गोंदिया से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।